आज के शो की शुरुआत एक सवाल से ही करते हैं। सवाल ये कि क्या कोई किसान इतना चालाक और चतुर हो सकता है कि वो अंतरिक्ष से गुजरते हुए सैटेलाइट की खबर रखे? क्या बहुत सारे किसान किसी एक एरिया के बहुत सारे किसान इसी तरीके की चतुराई और चालाकी दिखा सकते हैं? मतलब ये कि जब सैटेलाइट ऊपर से गुजर रहा हो और वो अपने खेतों में पराली न जलाए और जब सैटेलाइट गुजर जाए तब वो पराली में आग लगा दे। कुछ एक्सपर्ट्स अलग अलग सैटेलाइट इमेजेस को देखते हुए इस तरह के अनुमान लगा रहे हैं। एक सैटेलाइट है नासा की और दूसरी है दक्षिण कोरिया की, लेकिन इन सब के बीच फंसी हुई है लोगों की जान। लोगों का गला घुट रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की हवा है कमबख्त खराब। क्या रहा 19 नवंबर को हवा का हाल और आगे का रास्ता क्या है, इन सब विषयों पर बात करेंगे। ये सैटेलाइट वाला चैप्टर भी समझेंगे। क्या ये बात भरोसे के काबिल लगती है कि किसान सैटेलाइट्स को चकमा दे रहे हैं, इसकी भी पड़ताल करेंगे, विशेषज्ञों को सुनेंगे और जानेंगे दिन की सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। बात प्रदूषण की करते हैं और आज भी दिल्ली की हवा में कोई बेहतरी दर्ज नहीं की गई। 19 नवंबर को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 494 दर्ज किया गया। सुबह 7 बजे कई इलाकों में AQI 500 के ऊपर तक चला गया था, लेकिन ये सुबह 7 बजे का डेटा है। दिन चढ़ा तो कई जगहों पर प्रदूषण भी बढ़ा और कई इलाकों में AQI 700 के ऊपर भी रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया था, जिसके साथ 10वीं तक की क्लासेस तो पहले ही ऑनलाइन कर दी गई और मंगलवार को 11वीं और 12वीं की क्लासेस भी ऑनलाइन चलाने का आदेश दे दिया गया। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी आदेश जारी किया कि 25 नवंबर तक सारी क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएंगी। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में प्रशासन ने भी क्लासेस ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 नवंबर की शाम अपनी एडवाइजरी जारी की। कोर्ट में काम करने वाले तमाम स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने भी अन्य जजों को सुझाव दिया कि जब तक संभव हो केसेस की ऑनलाइन हियरिंग करने की कोशिश करें और दिल्ली की हवा की सिगरेट से तुलना करने की रवायत का पालन भी हुआ। अखबारों में खबरें छपी कि दिल्ली में एक दिन सांस लेना एक दिन में 49 सिगरेट पीने के बराबर है, जिसका मतलब है बीमारियाँ और तकलीफें। देखिए, धुआं है, स्मॉग है, आपको इंडिया गेट ठीक से नज़र भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली दिल्ली की हवा का बहुत बुरा हाल है। सिर्फ एक कोई फैक्टर नहीं है इसके अंदर, पराली भी है, पोल्यूशन भी है, गाड़ियां पटाखे भी फोड़े हैं लोगों ने, सो एक कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत परेशानी हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है आदमी का, सर्दी जुकाम बढ़ रहा है ज़्यादा। जब लोग परेशान हो रहे थे और उनकी परेशानी से भरी हुई प्रतिक्रियाएं आ रही थी तो कुछ ट्रक ड्राइवर्स की भी बातें सुनाई दी। ग्रैब 4 के तहत उनका दिल्ली में घुसना मना है, मना होना चाहिए, लेकिन जब वो कैमरे पर आए तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई। पुलिस वालों ने जाने दिया? हाँ सर, पीछे गाड़ी आ रही है सारी। पैसे वैसे? ओ, पैसे वैसे तो सर लेते ही हो, खर्चा पानी तो। कितना दिया? 200 रुपये। 200 रुपये? नोएडा, नोएडा से। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। डीजल? हाँ सर, डीजल ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राम वकील है। तो पुलिस वाला ने रोका नहीं? नहीं रोका था, गाड़ी चेक की थी, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी नया गाड़ी है, पूरा सेकंड हैंड गाड़ी थोड़ी है, नया गाड़ी है। कौन सा गाड़ी है ये? BS 6 में। कागज प्रदूषण का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक की 15 फ्लाइट्स को दिल्ली एयरपोर्ट से डाइवर्ट कर दिया गया। लो विजिबिलिटी के कारण 13 फ्लाइट्स को जयपुर भेज दिया गया, एक फ्लाइट को देहरादून और एक फ्लाइट को लखनऊ भेज दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इन फ्लाइट्स के पायलट्स और को पायलट्स को विजिबिलिटी में लैंडिंग की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इस वजह से फ्लाइट्स को अन्य एयरपोर्ट्स पर भेज दिया गया। दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों से खबरें आईं कि लोगों को सांस लेने की दिक्कतों, अस्थमा अटैक और सांस संबंधी अन्य बीमारियों की वजह से अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की हिदायतें भी सामने आईं। अभी तक का हाईएस्ट जो फायर काउंट है वो ऑब्जर्व किया गया है कल के दिन में पंजाब में। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि पिछले 7 दिनों में
तो जहां एमपी में 5,871 काउंट ऑब्जर्व हुए, वहीं हाँ जी पंजाब में अभी तक जो है 2,034 काउंट हुए, यूपी में 1,613 हुए, जो तेलंगाना है उसमें लगभग 1,100 हुए, इसके अलावा राजस्थान में 950 के आसपास हैं, झारखंड में 750 के आसपास हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फायर काउंट में पंजाब जो है वो सेकंड हाईएस्ट है इन द लास्ट वीक, बट एट द सेम टाइम जो पंजाब का एरिया है हमें वो भी ऑब्जर्व करना है। तो और जो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि ये जो नियर बाय रीजन है वहां की एयर क्वालिटी को प्रभावित करता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप पोल्यूशन को अवॉइड करो, तो बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप एक्सपोज नहीं होगे उस पोल्यूटेंट केमिकल्स के। सेकंड थिंग कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज यूज सम बैरियर्स, लाइक अगर आप पहले से ग्लासेस पहन रहे हैं तो अच्छा है, अगर आपके ग्लासेस नहीं है विजन वाले तो आप शेड्स पहन सकते हैं, गॉगल्स पहन सकते हैं व्हाइल गोइंग आउट सनलाइट में, ठीक है। सेकेंड है कि अगर आपको ऑलरेडी ड्राइनेस है तो आप अपने ड्रॉप्स भी डालिए, सब ड्रॉप्स अच्छे से डालिए, एंड देन यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर कि आपको कुछ इंक्रीज तो नहीं करना है अपने आई ड्रॉप्स को। तीसरा चीज है कि आप घर पे ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हो, जिससे जो आपके एटमॉस्फेयर में इंडोर्स आपकी ह्यूमिडिटी लेवल्स होंगे वो बेटर रहेंगे और वो आपकी ड्राइनेस को कम करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप आई को रब नहीं करिए, आप अवॉइड करिए आईज को टच करना, जिससे आपके पॉल्यूटेंट्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना जाए आपकी आईज के। जो एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं और रब करना आईज को अवॉइड कर सकते हैं। इन दोनों से काफी बेटर होता है आंख में पॉल्यूटेंट्स का जाना। लेकिन दिल्ली में कुछ भी हो और उस पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में ना भिड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार भी यही हुआ, यही हो रहा है। भाजपा ने आरोप लगाए दिल्ली सरकार पर मिसमैनेजमेंट के, स्थितियों को काबू न कर पाने के। दिल्ली में जो सांसों का आपातकाल है, दिल्ली की हवा में जो धीमा जहर जो आप और हम बात करते हुए ले रहे हैं, ये है सांसों की इमरजेंसी जो हर दिल्ली वाला भुगत रहा है। और ये मास्क आने वाले समय की चेतावनी है दिल्ली वालों को। दिल्ली की जो हालत अरविंद केजरीवाल ने बस से बदतर की है, अगर इस भ्रष्टाचारी प्रदूषण को भी नहीं हटाया गया तो हर दिल्ली वाला इस तरह का मास्क पहनने के लिए मजबूर होगा। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली को आर्टिफिशियल बारिश की जरूरत है। इस आशय की एक चिट्ठी उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भी लिखी। मीडिया से कहा कि केंद्र अगर स्थितियों को काबू नहीं कर पा रहा है तो मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार के पर्यावरण मंत्री को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज 19 नवंबर लगातार अपील करने के बावजूद भी, चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। आर्टिफिशियल रेन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, यह निर्णय तो अभी मीटिंग के बाद तय होगा। परमिशन केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी यह भी मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है या जानबूझकर के नहीं बुलाई जा रही है? SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन, व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। लेकिन मंगलवार 19 नवंबर को एक और खबर ने लोगों का ध्यान खींचा। ये था पराली जलाने की टाइमिंग को लेकर के। फैक्ट्री, भारी वाहनों, आतिशबाजी के अलावा पराली जलाना आज भी प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक है, ये आप जानते हैं। लेकिन ये ताज़ा मामला क्या है, इसके लिए आपको एक क्विक रिकैप दे देते हैं। कल के ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच स्वतः संज्ञान के तहत दिल्ली के प्रदूषण मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस सुनवाई में 18 नवंबर के दिन अदालत मित्र यानी एमिकस क्यूरी ने कहा कि हमारे यहां के वैज्ञानिक नासा द्वारा भेजे गए सैटेलाइट से पता कर रहे हैं कि किन खेतों में पराली जलाई जा रही है, जबकि खुद नासा के वैज्ञानिक साउथ कोरिया के उपग्रहों पर भरोसा कर रहे हैं। एमिकस क्यूरी ने यह भी कहा था कि नासा का सैटेलाइट सुबह डेढ़ से मतलब दोपहर डेढ़ से ढाई बजे के बीच भारत के ऊपर से पास होता है, उस समय सबसे कम पराली जलती हुई दिखाई देती है। पराली का जलना ढाई बजे के बाद शुरू होता है, जो इस सैटेलाइट में, नासा वाली सैटेलाइट में कैप्चर नहीं होता। और इसके बाद आज के कुछ अखबारों में खबरें छपी। खबरों का आशय यह कि पंजाब के किसान पराली जलाने के लिए सैटेलाइट तक को चकमा दे रहे हैं।
गोया जब सैटेलाइट के ऊपर से गुजरने का समय हो तो पराली नहीं जलती है, सैटेलाइट जब पास हो जाता है, गुजर जाता है, तो किसान पराली जलाना शुरू करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इस आशय के एनालिसिस दे रहे हैं, पर यह सुनने में अटपटा तो लगता है। खेती बाड़ी वाले किसान को सैटेलाइट की टाइमिंग से क्या मतलब? और हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान के भी पंजाब प्रांत के किसानों में एक जैसा कोऑर्डिनेशन दिखना भी नाकाबिले यकीन सा लगता है। लेकिन फिर भी इस एनालिसिस को भी जान लेते हैं। इन कयासों को थोड़ा बल मिला एक व्यक्ति की रिसर्च से। व्यक्ति का नाम हीरेन जेठवा। अपने एक्स पे दिए परिचय के मुताबिक हीरेन नासा गोदार स्पेस फ्लाइट सेंटर और मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में एरोसोल रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक हैं। वो नासा के उपग्रहों में लगे तमाम सेंसर्स की मदद से हवा का हाल मापते हैं। हीरेन ने 2 अक्टूबर को एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट करना शुरू किया। थ्रेड यानी एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स जो आपस में जुड़े होते हैं। इस थ्रेड का आशय था उत्तर पश्चिमी भारत में मॉनसून के बाद खेतों में लगाई जाने वाली आग का आकलन करना। 24 अक्टूबर को हीरेन ने नासा के उपग्रह मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर MODIS और एक्वा का हवाला दिया। कहा कि अभी तक मिले आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2022 से खेतों में आग लगाने के मामलों में कमी आई है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सैटेलाइट जब पास हो रहे हों तब खेतों में आग लगाई जा रही हो। 24 अक्टूबर को हीरेन ने एक और ट्वीट किया, लेकिन इसमें उन्होंने नासा के नहीं बल्कि साउथ कोरियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट जियो कॉमसेट 2A का हवाला दिया। कहा कि इस सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में दोपहर के वक्त धुएं से आसमान उजला सा प्रतीत हो रहा है। 25 अक्टूबर को हीरेन ने फिर से आशंका व्यक्त की कि किसान पराली जलाने के लिए शायद ऊपर से सैटेलाइट के गुजरने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि देर दोपहर के वक्त पंजाब के इलाके में धुएं के छोटे छोटे स्थानीय बादल दिखाई दे रहे हैं। हीरेन के ट्वीट में लगी तस्वीरों को देख करके अंदेशा हो रहा है कि जैसे ही नासा का सैटेलाइट दोपहर 2:30 के बाद भारत के ऊपर से गुजर जा रहा है, वैसे ही भारत और पाकिस्तान में मौजूद खेतों में आग लगने की संख्या बढ़ जा रही है। चूंकि नासा का सैटेलाइट तो गुजर रहा है, लेकिन कोरिया का सैटेलाइट वहीं एक पोजीशन पर लॉक्ड है, इसलिए 2:30 नासा का सैटेलाइट गुजरने के बाद कोरियन सैटेलाइट पराली जलने की तस्वीरें ले रहा है। इसके बाद दीपावली के त्यौहार तक हीरेन ने कई सारी ऐसी तस्वीरें पोस्ट की जिनके जरिए ये इशारा किया, अपनी ओर से ये इशारा किया कि किसान सैटेलाइट गुजरने के बाद पराली जला रहे हैं। अब सीधे आते हैं 12 नवंबर को। इस दिन हीरेन ने पोस्ट किया कि कोरियन सैटेलाइट जियो कॉमसेट 2A से साफ होता है कि पंजाब के किसान देर दोपहर यानी 1:30 से 2:30 का विंडो बीतने के बाद पराली जला रहे हैं। 17 नवंबर को हीरेन ने पोस्ट किया कि पंजाब में पहले से ज़्यादा पराली जलाई जा रही है, न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी पराली जलाई जा रही है जिसका धुआं यहां तक आ सकता है। अब 18 नवंबर की तारीख की बात। हमने आपको बताया कि इस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सरकारें पराली जलाने को लेकर के जजों की डांट सुन रही थी, लेकिन दोपहर 2:00 के आसपास अकेले पंजाब में 1000 से ज़्यादा खेतों में आग दिखाई दे रही थी। हीरेन ने दावा किया है कि हरियाणा में भी पराली उस समय जलाई गई थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो काफ़ी कम था पंजाब के मुकाबले। ध्यान दें कि ये हीरेन जेठवा की अपनी फाइंडिंग्स हैं। हमने हीरेन को ईमेल लिखा है उनसे इस फाइंडिंग्स पर और भी बात करने के लिए, लेकिन शायद समय का अंतर, वो दूसरे देश में हैं या उनकी व्यस्तता, अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। अगर उनसे बात होती है तो वो बातचीत भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमने कुछ और विशेषज्ञों से इन सैटेलाइट के कामधाम के तरीकों और इन फाइंडिंग्स को डिकोड करने की कोशिश की, वो भी आप सुनिए। अगर हम इस ग्लोब को धरती माने और इस बॉल को, हालांकि इसका साइज थोड़ा बड़ा है, उपग्रह इतने बड़े तो नहीं होंगे धरती की तुलना में, लेकिन अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि ये सैटेलाइट्स हैं, तो नासा के 2 सैटेलाइट्स हैं एक्वा और टेरा। एक धरती के इस तरफ चारों तरफ चक्कर काटता है और एक ऊपर नीचे धरती के चक्कर इस तरह से काटता है। अब अगर आप देखें, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है और यहाँ कहीं पंजाब या हरियाणा का क्षेत्र है, और ये नासा का एक सैटेलाइट टेरा या एक्वा अगर इस तरीके से या इस तरीके से चक्कर काट रहा है, फर्ज कीजिए इस तरीके से चक्कर काट रहा है, तो 24 घंटे में एक बार या जो भी अंतराल होगा, कुछ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट हैं जो 5 दिनों में या 7 दिनों में एक बार चक्कर काटते हैं, तो इस तरह से 24 घंटे में एक बार ये पंजाब के ऊपर आएंगे और पंजाब के ऊपर का डेटा जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन एक और बात है, ये सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगता है कि किसी राज्य के लाखों किसानों को किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा एकमुश्त सुझाव दिया गया हो कि वो पराली में दोपहर को 2:30 के बाद आग लगाएं, और अगर दिया भी गया हो तो ये सुझाव पंजाब ही नहीं अन्य राज्यों में कैसे पहुंचा और पाकिस्तान के किसानों तक भी कैसे पहुंच गया। सुनिए साथी एक्सपर्ट्स को जो इस पर और प्रकाश डाल रहे हैं। थ्योरी दी जा रही है, ऑल्टरनेट थ्योरी, जो एक नासा के साइंटिस्ट हैं हीरेन जेठवा, उनका ये कहना है
कि करीब 1:30 बजे के आसपास जब नासा का सैटेलाइट इस इलाके के ऊपर होता है या डेटा कलेक्ट कर रहा होता है तो उस समय तक उतनी जो आग जलने की घटनाएं हैं वो नहीं होती हैं, डेटा कम होता है। और उसके बाद डेटा जो है वो दिखाता है कि ज़्यादा आग जलने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। उन्होंने इसका इसके लिए जो सबूत दिए हैं वो ये दिए हैं, उन्होंने एक दूसरे सैटेलाइट का उन्होंने डेटा कोट किया है जो कि साउथ कोरिया की है। वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काम कैसे करती है, मानिए धरती जो है ये पश्चिम से पूरब की तरफ इस तरह घूम रही है। अगर आप एक सैटेलाइट, ये अगर फिर से हम मान लें कि अगर साउथ कोरिया का सैटेलाइट है, अगर साउथ कोरिया का सैटेलाइट धरती की स्पीड से ही धरती के साथ ही धरती की स्पीड से उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में यानी पश्चिम से पूरब की तरफ अगर ये ऐसे स्पेस में ट्रैवल करे तो वो हमेशा धरती के एक पॉइंट के ऊपर रहेगा। यानी अगर फर्ज करें यहाँ साउथ कोरिया है तो वो यहाँ रहेगा, यानी उसके ये जो सेंसर्स होंगे वो यहाँ का पंजाब का डेटा दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कलेक्ट कर सकते हैं, कई बार इकट्ठा कर सकते हैं। तो नासा के साइंटिस्ट का ये दावा है कि अगर आप नासा के सैटेलाइट्स को देखें जो दिन में एक बार धरती के जो दिन में एक बार पंजाब के ऊपर या हरियाणा के ऊपर एक बार डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आग जलने की घटनाएँ कम हैं। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया के सैटेलाइट जो कि सदा उसी पॉइंट के ऊपर रहेगा क्योंकि वो जियो स्टेशनरी है, उसके हिसाब से अगर देखें तो आग जलने की घटनाएं ज़्यादा हैं। अब इस पूरी थ्योरी में एक झोल है, इस पूरी थ्योरी में एक जो हम कहें एक फ्लॉ जो हमें दिखता है वो ये दिखता है कि सबसे पहले तो नासा का जो डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल है। साउथ कोरिया के सैटेलाइट की हम ऑप्टिकल इमेज कहें यानी तस्वीरें अगर हम कहें तो वो तो अवेलेबल हैं, अभी तक हमें उसका डेटा यानी नंबर ऑफ फायर्स का डेटा हमें एक्चुअल सोर्स से अभी तक वेरीफाई करने को नहीं मिला है। एक उसमें फ्लॉ हमें ये दिख रहा है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरी थ्योरी में ये है कि हरियाणा, भारत का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, अगर इन तीन जगह के लाखों किसानों को एक बार में ये समझाना कि भाई आपको इतने बजे के बाद ही पराली जलानी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होगा। और अगर ज़मीन पे इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी खबर हमें ज़मीन से मिलनी चाहिए। हमें अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि लोकल लेवल पे या राज्य के लेवल पे इस तरह का कोऑर्डिनेशन हो रहा हो जिससे हम कह सकें कि ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है। तो जो संभव कारण लगता है वो लगता है कि हो सकता है कि पारंपरिक तरीके से ही किसान जो हैं वो दोपहर के बाद जला रहे हैं। इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की चेकिंग हो रही हो या इन चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादातर लोग दोपहर के बाद ये काम कर रहे हो। पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड पर क्या स्थिति है पराली को लेकर के, हमने वहाँ रहने वाले, वहाँ की खबरों पर नज़र रखने वाले पत्रकारों से भी बात की। देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आग लगी है और धुआं मीन उड़ी जा रहा है। और जाहिर सी बात है क्योंकि अब ये सिर्फ भारत का ही मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का भी है और नासा की सैटेलाइट्स हैं या बाकी सैटेलाइट्स हैं वो इमिजिएटली देख भी रही हैं। तो फार्म फायर्स हैं और अपने आप को इसको डिनाई नहीं की जा सकती है। अब ये है कि जो किसान है वो थोड़ा सा चालाकी से काम कर रहे हैं। जब सैटेलाइट घूम जाती है एक तरफ से तो वो उसके बाद दोपहर के बाद हमने देखा है कि कई घटनाएं बढ़ी हैं। अगर हम बात करें मंडे की ही, जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं कि 1251 है, तो यानी मुक्तसर जो साहब है वहां पे 247 के करीब फार्म फायर्स हैं। तो ये जो एक आंकड़ा आ रहा है तकरीबन 1300 के करीब पहुंच रहा है फार्म फायर्स, जो कि हाई है। और ये क्योंकि पैडी हार्वेस्ट हो चुका है और हार्वेस्ट सीजन है और ऐसा माना जाता है कि 30 नवंबर तक ये अब रहेगा। बिल्कुल हमने देखा है कि दोपहर के बाद है वहां पर, क्योंकि उनको लगता है कि सुबह इंसान जो गश्त है वो लगाता है, चेकिंग होती है। तो एक उन्होंने शायद ये एक फॉर्मूला अपनाया जरूर है। और खास तौर पे कई जगह पे जहाँ पे लोगों को पता भी है कि पराली जाई जा रही है, अब वो उनको लगता है कि किसानों के साथ कौन ही पंगा लेगा या क्या ही बोलेगा। अब देखिए बायपोल्स भी चल रहे हैं, कोई किसानों को नाराज तो नहीं करना चाहता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी तबका हो, कोई ऐसा तो नहीं करना चाहता है। पर ये वाली बात है कि ऑन बोर्ड होना चाहिए, ये एक जरूरी बात है। और खासतौर पर जब आप बोलो कि रेड एंट्रीज की जाएंगी, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, किसान वो भी नहीं चाहते हैं। पर आप मान के चलिए कि ये उनको लगता है कि फसल पे खड़ी रहेगी वो और प्रॉब्लम करेगी, वो बहुत दिक्कत करेगी। तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रोएक्टिव मेजर जरूर लेना चाहिए।
लेकिन पराली 2:30 बजे के बाद ही नहीं, पहले भी नहीं जलनी चाहिए। इसका कोई विकल्प सरकारों को ढूंढना चाहिए, उन्हें इस पर मुकम्मल ध्यान देना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ बड़ी खबर यहीं समाप्त करते हैं। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए हैं। चुनाव आयोग के अफसरों ने विनोद तावड़े और भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई है। विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, वहाँ पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुँच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, CCTV फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघाड़ी के विधायकों ने आरोप लगाया कि तावड़े मंगलवार को 5 करोड़ रुपए लेकर के विरार इलाके के एक होटल में पहुंचे। उनके साथ नालासोपारा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजन नायक और दूसरे कार्यकर्ता भी थे। यहां मीटिंग चल रही थी। बहुजन अघाड़ी के मुताबिक होटल में वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। जानकारी मिलने पर हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे जो नालासोपारा सीट से बहुजन अघाड़ी उम्मीदवार भी हैं क्षितिज ठाकुर, वो भी होटल पहुंच गए। बहुजन अघाड़ी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हुआ। होटल के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें बहुजन अघाड़ी कार्यकर्ता नोट लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के हाथ में एक डायरी है, आरोप है कि इसी डायरी में पैसों का लेखा जोखा है। मैटर सामने आया तो बयान सामने आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है, जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा। वहीं भाजपा और महायुति के अन्य नेताओं की ओर से भी इस पर काउंटर आया। बांटेंगे पैसा, बांटेंगे तो जीतेंगे ना, हाँ बांटेंगे तो कटेंगे नहीं, भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे। मुझे आश्चर्य होता कि आप पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नजर रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और उस बारे में पूरी जानकारी वो जहाँ बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। इतने सालों से तावड़े जी और BJP वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा तावड़े ही क्यों। अगली सुर्खी G20 समिट पर है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 19 नवंबर को G20 समिट का पहला दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में पहुंचे। समिट के पहले सेशन का मुद्दा था भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता। सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने G20 के सफल आयोजन के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि दुनिया में कई मोर्चों पर लड़ी जा रही जंगों से, भोजन ईंधन और उर्वरक संकट की जंग से, ग्लोबल साउथ के देश पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमें ग्लोबल साउथ के देशों की चुनौतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 55 करोड़ लोगों को फ्री हेल्थ बीमा का लाभ दे रहे हैं, किसानों को $20 बिलियन यानी 1,68,000 करोड़ रुपए दिए हैं। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहा है। हाल ही में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में भारत ने मदद पहुंचाई है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलिनी, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गेर स्टोर से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रेसिडेंट से मिलना हमेशा आनंददायक होता है।
अगली सुर्खी मलयालम एक्टर सिद्दीकी से जुड़ी हुई। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। सिद्दीकी पर एक मलयाली एक्ट्रेस ने रेप केस दर्ज करवाया था। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस केस की सुनवाई की। केस की सुनवाई जब शुरू हुई तो सिद्दीकी के वकील मुकुल रोहतगी ने उनकी ओर से कहा कि मैं केरल में रहने वाला एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, एक अभिनेता हूँ। शिकायत अगस्त 2024 में एक घटना के बारे में की गई है जो 8 साल पहले 2016 में हुई थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने पीड़िता की उम्र पूछी। रोहतगी ने जवाब दिया 21 साल। इस पर शिकायतकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि एक्ट्रेस उस समय 19 साल की थी। रोहतगी ने कहा कि एक्ट्रेस ने 27 अगस्त 2024 को शिकायत दर्ज की, जबकि सिद्दीकी ने उनके खिलाफ एक दिन पहले यानी 26 अगस्त 2024 को कंप्लेंट कर दी थी। सिद्दीकी मलयालम मूवी एक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी थे और शिकायतकर्ता विमेन इन सिनेमा की सदस्य थी। इन दोनों संगठनों के बीच टकराव है, इसी वजह से अचानक शिकायत दर्ज की गई। रोहतगी ने शिकायतकर्ता के फेसबुक पोस्ट का भी जिक्र किया, कहा कि पीड़िता ने सभी के खिलाफ शिकायत की थी। निदेशकों, फोटोग्राफरों, डॉक्टरों समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे। सभी दलीलें सुनने के बाद जस्टिस बेला त्रिवेदी ने शिकायतकर्ता के लिए कहा कि आपके पास फेसबुक पर शिकायत करने का साहस था लेकिन पुलिस के पास जाने का नहीं। पीठ ने आदेश में कहा कि हम इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कारण बताना उचित नहीं समझते। कथित घटना साल 2016 में हुई थी। शिकायतकर्ता ने इसके लगभग 8 साल बाद साल 2018 में फेसबुक पर 14 लोगों के खिलाफ आरोप लगाते हुए पोस्ट किए, जिनमें अपीलकर्ता सिद्दीकी भी शामिल थे। शिकायतकर्ता केरल सरकार द्वारा स्थापित हेमा कमेटी के पास नहीं गई, इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। इस आदेश के साथ कोर्ट ने सिद्दीकी को जमानत दे दी, लेकिन जमानत की दो शर्तें रखी। पहला, सिद्दीकी को ट्रायल कोर्ट में पासपोर्ट अपना जमा कराना होगा और दूसरा, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभरात्रि। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह, यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कटअप जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए dlallantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पर चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से, कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में, लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।